भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से बरसाना में मनाया जा रहा है। साथ ही ब्रज में राधा रानी के जन्म उत्सव की धूम मची हुई है। यहाँ आने वाले हर भक्त के मन में रहता है कि वह आज के ही दिन आकर लाडली जी के दर्शन कर और उनका आशीर्वाद ले और राधा रानी उन पर अपनी कृपा बरसाए रखें। सुबह से ही लोगों का तांता लाडली जी के दर्शन के लिए लगा हुआ है और लाडली जी के जन्म उत्सव की एक झलक पाने के लिए सभी लोग लालायित हैं। राधा रानी का जन्म उत्सव का वह अलौकिक पल, हर कोई उस पल को छोड़ना नहीं चाहता। राधा रानी का जन्म उत्सव उनके अभिषेक गजल क्षण होता है, वह एक अलौकिक दृश्य होता है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्भुत शक्ति राधा रानी जी के दर्शन करने से मिलती है। राधा रानी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और उनके जन्म उत्सव के दिन नाचते हैं, गाते हैं और राधा रानी जी के जन्म उत्सव में सम्मिलित होते हैं। वहीं राधा रानी की लीलाओं के साक्षी राधा कुंड में ब्रजवासियों द्वारा 56 भोग का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। राधा रानी के 56 भोग दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राधा रानी के जन्म की खुशी में राधा कुंड को 3000 दीपों से सजाया गया। वहीं दिव्य भजन संख्या का भावपूर्ण आयोजन भी किया गया। वहीं ब्रज की अष्टधात्री देवी राधा रानी के भजनों पर श्रद्धालु थिरकते नजर आए। गौरव जी, आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका और क्यों किया जा रहा है? जी, ये राधा रानी का जन्म आज के दिन राधा अष्टमी के दिन हुआ था, इसकी बधाई देते हैं। हम समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से प्रोग्राम करते हैं और इसकी बधाइयों के साथ राधा जी का जन्म निर्वाण करते हैं हम। और यहाँ पे ब्रजमंडल में, पूरे ब्रजमंडल में सिर्फ जल रूप विराजमान राधा रानी श्री राधा कुंड में ही है और कहीं भी नहीं है। सारी जगह आपको मूर्ति के रूप में पाई जाएंगी, सिर्फ जल रूप में विराजमान श्री राधा रानी हमारे धाम श्री राधा कुंड में ही हैं। इसलिए इनके जन्मोत्सव के दिन फूल बंगला, 56 भोग, गिरिराज जी का फूल बंगला, भजन संध्या आदि के रूप में हम भव्य बनाते हैं राधा रानी के जन्मोत्सव को। क्या विशेष आयोजन आज किए हैं? आज फूल बंगला कराया है, राधा रानी का 56 भोग रखाया गया है और बिहारी जी का भी रखाया गया है, गिरिराज जी का भी 56 भोग रखा गया है और भजन संध्या का ही प्रोग्राम है शाम का और राधा रानी के चारों तरफ दीपदान का आयोजन किया गया है। यहाँ पे कन्हैया गोस्वामी करेंगे आज राधा कुंड में दीपदान किया गया, क्या उद्देश्य राधा रानी के जन्मोत्सव पर ये दीपदान का आयोजन है, यहाँ भजन संध्या का भी प्रोग्राम है और आज सुबह राधा रानी का अभिषेक हुआ, फिर दोपहर को 12 बजे अभिषेक हुआ, उसके बाद अब ये दीपदान और भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। क्या हमारे दीपक जले हैं, कितनी संख्या में दीपक है? ये दीपक लगभग 3000 की संख्या में है और राधा रानी 56 भोग रखा गया, क्या विशेष आयोजन आज जन्मा सूत्र है राधा सूत्र है? राधा जी की जन्म खुशी में क्या क्या आयोजन है सुबह से? आज सुबह से शुरुआत हुई थी, 4 बजे श्री राधा जी का अभिषेक हुआ था पंचामृत से, उसके बाद में शोभा यात्रा गांव में नगर भ्रमण राधा जी ने की, उसके बाद फिर से गिरिराज जी का अभिषेक और अब दीपदान और उसके बाद भजन संध्या का आयोजन यहाँ मुख्य रूप से है और इसमें 56 भोग भी शामिल हैं भजन संध्या के साथ में। राधा सूत्र जी,